भारतीय जनता पार्टी ने चार राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आपको बता दें, गुजरात की 5, हिमाचल प्रदेश की 6, कर्नाटक की 1 और पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। खास बात है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों को भी टिकट दिया है। आपको बता दें, बीजेपी ने हिमाचल उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये सारे उम्मीदवार कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। हाल ही में सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इसके अलावा हिमाचल के 3 अन्य निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थामा था। वहीं गुजरात की विजापुर से बीजेपी ने चतुर सिंह जावनजी चावड़ा, पोरबंदर से अर्जुन भाई देव भाई को टिकट दिया है। इसके अलावा मनावदर से अरविंद भाई दिनाभा, खंबाज से चिराग कुमार, बागोड़िया से धर्मेंद्र सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि कर्नाटक की शोरापुर एसटी सीट से बीजेपी ने नरसिंह नायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की भगवान गोला से भास्कर सरकार और बारानगर से सजल घोष को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।